और इस किताब के बारे में जब राधा जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने अपने पहले के कार्यक्रम देखे बिना ही पहले ही मैंने जो है उनको कह दिया था कि मैं उसी इस कार्यक्रम में रहूंगा। और इसका नाम जो है जो भंवर है, भंवर हम सभी के जीवन में आता है। मैं भी अभी थोड़े दिनों पहले एक भंवर में था और अभी भी भंवर में हूँ, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा। क्यों नितेश जी? लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। लोग भंवर में फंसे थे, वह भंवर के बाहर खड़ा था। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाने के लिए आतुर थे। वह देख रहा था कैसे और लोग भंवर में जाकर फंस रहे थे। क्या कारण था, क्या मजबूरी थी इन सब की, कि चींटियों की तरह यह सब भंवर में अपने आप को खो रहे थे। उसमें जाने को, जल्दी पहुंचने को, वह एक दूसरे को कुचल भी रहे थे। तो ये पुस्तक कहीं ना कहीं हमको जो है अभिमन्यु से अर्जुन बनाने की ओर भी प्रेरित करती है। और इसमें एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा अभय नाम का, जिसका अभी नकलचाल जी ने भी इसमें इसका उल्लेख किया। अभय माने कि जिसको किसी चीज का कोई भय न हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जीवन में जब किसी का भय न हो वही जीवन है। और आपको देखकर मुझे लगता नहीं कि आप रिटायर हो गए, यानी कि आपने सेवानिवृत्ति ली है सरकारी सेवा से। और इस पुस्तक को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपने कठिन संकल्प लिया है, जैसे आपने शरीर के बारे में संकल्प लिया है, वैसे ही आपने जीवन के बारे में भी संकल्प लिया है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है कि वो अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जितना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। बस उसको अपने आप को ठानने की, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। अगर जान लिया, पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो उसकी सीमाएं फिर अनंत है। और वैसे भी ये सब काम तभी हो सकता है जब हम स्वतंत्र रहते हैं। और स्वतंत्र हम तभी रह सकते हैं जब हम बनते हैं सुविधा के दास की। अगर हमें सुविधाओं का दास बन गए, कहते हैं वो स्वतंत्रता, दो लाइन में सुना राधा जी ने तो इतना अच्छा सुनाया, जो हमारी संस्कृति की भी जो है यहाँ के उत्तराखंड की संस्कृति से कितना उन्होंने जो है वो कहते हैं स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है। स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है, उसकी क्षमता के आगे तूफान बहुत ही धीमा है। तो प्रातः के द्वारे अंधकार तो, प्रातः के द्वारे अंधकार तो फिर संध्या कौन कहाएगा। अन्यायों के डर से जो अपना मुंह सी लेते हैं, उनकी माता यदि पुत्र होती तो फिर बंध्या कौन कहेगी। प्रातः के द्वारे भी अंधकार तो फिर संध्या कौन कहेगी। स्वतंत्र वही रहते हैं जो बनते सुविधा के दास नहीं। मेरा मन था कि मैं आप सब लोगों के बीच में अंत तक रहूं, क्योंकि पूर्व में पहले से ही मैंने कहा कि जब मैंने कार्यक्रम में आने के लिए कहा तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। तो आप सभी को और विशेष रूप से अनिल जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें और सतायु हो, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं कह सकता, आप ही आशीर्वाद देंगे हमें, लेकिन मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले सभी महानुभावों को एक बार अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।